हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्लॉट का एरिया स्क्वायर फीट में कैसे निकालें। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा प्लॉट है। प्लॉट की लेंथ जो है 70 फीट 4 इंच है और प्लॉट की जो ब्रिथ है यानी कि चौड़ाई 50 फीट 6 इंच है। ओके, तो सबसे पहले आपको प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रिथ को मेजरमेंट कर लेना है। नेक्स्ट एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया। आप इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे प्लॉट की लंबाई है और ये चौड़ाई है। ओके, सो हम फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट अप करते हैं। लेंथ यानी कि लंबाई 70 फीट 4 इंच, ओके, इंटू ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, इंटू प्लॉट की जो चौड़ाई है 50 फीट 6 इंच है। ओके दोस्तों, यहां पे बात समझने वाली है। कुछ लोग क्या करते हैं 70.4 कर देंगे और 4 इंच को 70.4 इंटू और 50 फीट 6 इंच को 50.6 कर देंगे। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ओके, क्योंकि हमारी एक वैल्यू यानी कि 70 फीट जो कि फिट में है और 4 जो है जो कि इंच में है। सबसे पहले सिंपली जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको आपको फिट में कन्वर्ट करना होगा। फिट में कन्वर्ट करने के लिए इंच की वैल्यू को 12 से डिवाइड कर देना है। ओके, सबसे पहले हम इस 4 को जो कि इंच में है इसको फिट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने 4 डिवाइड बाई 12 किया। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा 0.33 आया। ओके, 0.33। सो दोस्तों इसी तरह से 6 इंच को हम फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो हमारा 6 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 डिवाइड बाय 12 दोस्तों आप देख सकते हैं 0.5 आया। ओके, 0.5। सो दोस्तों हम 70 फीट 4 इंच को 70.33 लिख सकते हैं क्योंकि 4 इंच को हमने फिट में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, इसी तरह से हमने 6 इंच को फिट में कन्वर्ट किया तो 0.5 आया, तो हम इसको लिख सकते हैं 50.5। ओके दोस्तों, दोनों का मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 70.33 इंटू 50.5 को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों 70.33 इंटू 50.5। ओके, सो दोस्तों आप देख सकते हैं 3551.66 स्क्वायर फिट आया। ओके, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यू आई 3551.665 स्क्वायर फिट आया। ओके, सो दोस्तों एरिया निकालते समय आपको यही ध्यान देना है कि आपकी जो इंच की वैल्यू है उसको आप हमेशा फिट में कन्वर्ट करिए, उसके बाद आप मल्टीप्लाई, मतलब आपको सेम यूनिट रखनी। अगर आपका कैलकुलेशन इंच में है तो सारी वैल्यू को आप इंच में कन्वर्ट करिए, अगर आपका फिट में कैलकुलेशन है तो सारी वैल्यू को आप फिट में कन्वर्ट करिए। ओके, सो दोस्तों उम्मीद है आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाय।